आगामी त्योहारों को लेकर एसपी देहात ने थाने की शांति समिति की बैठक। थाना परिसर में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक कर एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने की अध्यक्षता। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहार एक दूसरे को खुशी बांटने का पैगाम लेकर आता है। आज थाना मीरापुर परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव, एसडीएम जानसठ जैनेन्द्र सिंह, सीओ जानसठ शकील अहमद ने की। एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि त्योहार एक दूसरे को खुशी बांटने का पैगाम लेकर आता है। इस दिन सारे गिले शिकवे व रंजिश को भूल लोग एक दूसरे के गले मिल बधाइयां देते हैं। इसी में कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो त्योहार में खलल डालने का प्रयास करते हैं, उन पर नजर रखने की आवश्यकता है। पुलिस को पैनी नजर ऐसे लोगों पर रखनी है। उन्होंने बारी बारी से थाना क्षेत्र के गाँव की स्थिति के बारे में उपस्थित लोगों से जानकारी हासिल की। एहतियात के तौर पर कुछ जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। एसडीएम जानसठ जैनेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस अपनी रूटीन वर्क के अनुसार कार्य कर रही है। हम लोग हर तरह से पुलिस का सहयोग देने को तैयार हैं। सीओ जानसर शकील अहमद ने कहा कि आगामी त्योहार ईद के मौके पर ऐसे लोगों से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे और हर क्षेत्र की जानकारी करते रहेंगे। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि आगामी त्योहार के मद्देनजर सभी लोग क्षेत्र में शांति बनाए रखें। यूएफटी लाइव के लिए संवाददाता मोहम्मद फरीद अंसारी की रिपोर्ट। वो फिर शोर हो जाएगा, शोर जो है एक प्रदूषण है, सबको परेशानी होती है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि सब व्यक्ति को अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है, उनको अपने स्वतंत्रता के दायरे में रखकर पूरा करें, ना कि दूसरे के कंफर्ट को दखलंदाज करते हुए अपने अधिकार का प्रयोग करें। राइट टू, यदि रिलीजन आपकी एक राइट है तो राइट टू लाइफ भी हर व्यक्ति का अधिकार है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर कट मतलब आदेश है, जजमेंट है कि रात को सोने के लिए भी सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम आज शादी है तो आज हम 2 बजे तक डीजे बजाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हमको व्यक्तिगत रूप से खुद को अंकुश लगाना है। और जो भी धार्मिक या जो भी जयंती पर आपका रैली निकल रही है, उसका संबंधित थाना इंचार्ज जो है वो बाकायदा रूट चार्ट बना के देंगे कि इस जगह से आप जो भी आवेदक है वो भी बता